आपके वन लाइनर्स बीट लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। योर ईच वर्ड इज हर्ड, प्रिफर्ड एंड रिवर्ड एंड नेवर काउंटर्ड। कैसे कोई अपनी भाषा की ताकत के रूप में और सहजता से इस सामर्थ्य के लिए जाना जाए और उस कौशल से स्थितियों को दिशा मोड़ने का सामर्थ्य रखे, सचमुच में आपके इस सामर्थ्य को मैं बधाई देता हूं। साथियों, हम जो भी कहते हैं वो महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं उसकी अहमियत ज्यादा होती है। किसी भी संवाद की सफलता का पैमाना यही है कि उसका गहरा इंपैक्ट हो, लोग उसे याद रखें और जो भी कहें उसके बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो। अभिव्यक्ति की इस कला में वेंकैया जी की दक्षता, उस बात से हम सदन में भी और सदन के बाहर देश के सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आपकी अभिव्यक्ति का अंदाज जितना बेबाक है उतना ही बेजोड़ भी है। आपकी बातों में गहराई भी होती है, गंभीरता भी होती है, वाणी में बीट भी होता है और वेट भी होता है, वॉन्थ भी होता है और विजडम भी होता है। संवाद का आपका तरीका ऐसे ही किसी बात के मर्म को छू जाता है और सुनने में मधुर भी लगता है। आदरणीय सभापति महोदय, अपने दक्षिण में छात्र राजनीति करते हुए अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। तब लोग कहते थे कि जिस विचारधारा से आप जुड़े थे उसका और उस पार्टी का निकट भविष्य में तो दक्षिण में कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता है, लेकिन आप एक सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्ता से यात्रा शुरू करके और दक्षिण भारत से आते हुए उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शीर्ष पद तक पहुंचे, ये आपकी एक अविरत विचार निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और कर्म के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक है। अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात कहने की कला हो, भाषाई विविधता में आस्था हो, तो भाषा क्षेत्र हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती हैं, ये आपने सिद्ध किया है। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी कही एक बात बहुत लोगों को याद होगी, मुझे तो विशेष रूप से याद है। मैंने हमेशा सुना है आप मातृभाषा को लेकर के बहुत ही टची रहे हैं, बड़े आग्रही रहे हैं, लेकिन उस बात को कहने का आपका अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है। जब आप कहते हैं कि मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है, ऐसी भावना हृदय की गहराई से ही बाहर आती है। वेंकैया जी की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई के दौरान
हर भारतीय भाषा को विशिष्ट अहमियत दी गई है। आपने सदन में सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सदन में हमारी सभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज में कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है, उसका इंतजाम आपने किया। आपकी ये प्रतिभा, आपकी ये निष्ठा आगे भी सदन के लिए एक गाइड के रूप में हमेशा हमेशा काम करेगी। कैसे संसदीय और शिष्ट तरीके से भाषा की मर्यादा में कोई भी अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकता है, इसके लिए आप प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी नेतृत्व क्षमता, आपके अनुशासन ने इस सदन की प्रतिबद्धता और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। आपके कार्यकाल के वर्षों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 70% बढ़ी है, सदन में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ी है। इस दौरान करीब करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। आपके मार्गदर्शन में ऐसे कितने ही कानून बने हैं जो आधुनिक भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। आपने कितने ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो अपर हाउस की अपर जर्नी के लिए याद किए जाएंगे। सचिवालय के काम में और अधिक एफिशिएंसी लाने के लिए भी आपने एक समिति का भी गठन किया। इसी तरह राज्यसभा सचिवालय को सुव्यवस्थित करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, पेपरलेस काम के लिए ई ऑफिस सिस्टम को लागू करना, आपके ऐसे कितने ही काम हैं जिनके जरिए उच्च सदन को एक नई ऊंचाई मिली है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, नसा सभा यत्र न संति वृद्धा नते ये न वदन्ति धर्मम, अर्थात जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है, और अनुभव लोग वही है जो धर्म यानी कर्तव्य की सीख दें। आपने मार्गदर्शन में राज्यसभा ने इन मानकों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया है। आप माननीय सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उन्हें अपने अनुभवों का लाभ भी देते थे, और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डांटते भी थे। मुझे विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। ये पूंजी तब पैदा होती है जब व्यक्तिगत जीवन में आप उन आदर्शों और मानकों का पालन करते हैं। आपने हमेशा इस बात पर बल दिया कि संसद में व्यवधान एक सीमा के बाद सदन की अवमानना के बराबर होता है। मैं आपके इन मानकों में लोकतंत्र की परिपक्वता को देखता हूं। पहले समझा जाता था कि अगर सदन में चर्चा के दौरान शोरगुल होने लगे तो कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन आपने संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए न सिर्फ सदन को संचालित किया बल्कि उसे प्रोडक्टिव भी बनाया। सदन की कार्यवाही के दौरान जब सदस्यों के बीच कभी टकराव की परिस्थिति पैदा होती थी तो आपसे बार बार सुनने को मिलता था, लेट द गवर्नमेंट प्रपोज, लेट द ऑपोजिशन अपोज एंड लेट द हाउस डिस्पोज। इस सदन को
दूसरे सदन से आए विधेयकों पर निश्चित रूप से सहमति या असहमति का अधिकार है। यह सदन उन्हें पास कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या अमेंड कर सकता है, पर उन्हें रोकने की, बाधित करने की परिकल्पना हमारे लोकतंत्र में नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी तमाम सहमतियों और असहमतियों के बावजूद आज आपको विदाई देने के लिए सदन के सभी सदस्य एक साथ उपस्थित हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये आपके लिए इस सदन के सम्मान का उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि आपके कार्य, आपके अनुभव आगे सभी सदस्यों को जरूर प्रेरणा देंगे। अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन चलाने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो आगे इस पद पर आसीन होने वालों को प्रेरित करते रहेंगे। जो लीगेसी आपने स्थापित की है, राज्यसभा उसका अनुसरण करेगी, देश के प्रति अपने जवाबदेही के अनुसार कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आपको पूरे सदन की तरफ से, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है, इस सदन के लिए जो कुछ भी किया है, इसके लिए सबकी तरफ से ऋण स्वीकार करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री राज्यसभा में विदाई भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वेंकैया नायडू के अनुभव का लाभ देश को मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा